वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ये मास्क के लोफड़े लटकाने का काम करेंगे और हम अब नया कोई लाइसेंस देने नहीं देंगे, यह पक्का है। उस भ्रष्टाचार, तो ये भी भ्रष्टाचार का हिस्सा है कि चोरी के रास्ते से आप उनको लाइसेंस देना चाहते हैं, कि या तो ये अधिकारी वर्ग इस भ्रष्टाचार के अंदर जो लिप्त है वो पारदर्शिता से काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशों की अवहेलना ना करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उन पर अमल करे, वरना अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। अब गुरुग्राम में एक और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पहले हमने देखा था कि किस तरह से पूरी 24 जो हिंदू संगठन है वो इकट्ठा हुए थे खुले में नमाज को लेकर, उस पर विरोध को लेकर। उसके बाद अब ये मामला नया निकलकर सामने आया, वो ये कि जो नई मीट की दुकानों को लाइसेंस दिए जाने की बात की जा रही है और उस पर आपत्ति दर्ज करने की बात की जा रही है, उस पर आज संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी और इसी मामले को लेकर आज वो गुरुग्राम डीसी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ये कहते हुए कि इसके अंदर जो एमसीजी है उनके अधिकारियों ने चोर रास्ता इस्तेमाल किया गया है। वो किस तरह से, उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसे न्यूज़पेपर का सहारा लिया जो कि गुरुग्राम में अगर उसकी हम बात करें बटने की संख्या की तो वो 100 मात्र भी नहीं है, उसके बावजूद वो एक ऐसे पृष्ठ पे छपा है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, यानी कि अगर उसको पढ़ने वाले अगर लोग भी होंगे तो वो लोग होंगे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो खबर जानने में अपना रुचि रखते होंगे वो इस पेज को पढ़ते होंगे, यानी कि गुरुग्राम की खबर आकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेज पे छप रही है तो उसको उससे किसका सहकार होगा। इसको लेकर अभी एमसीजी पर सवाल उठे हैं और वहीं उनका कहना ये है कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे आदेश थे कि किसी भी नई मीट के दुकानों को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद क्यों इन दुकानों को लाइसेंस दिया जा रहा है। साथ ही एक और मांग की है उन्होंने इस ज्ञापन के द्वारा कि 10 किलोमीटर के दायरे में शीतला माता मंदिर के कोई भी मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए और अगर जो है उन्हें तुरंत हटाई जाए। वहीं यहाँ गुरुग्राम में चल रहे पूरे 2500 अवैध मीट की दुकानों को भी बंद करने की मांग की गई और कहा गया है कि इन सभी मीट की दुकानों को कहीं दूर ले जाया जाए शीतला माता के इलाके से। और इस पे जो पूरी संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लोग थे जैसे महावीर भारद्वाज, कुलभूषण भारद्वाज आज मौके पर पहुंचे और अपना विरोध इस पर उन्होंने दर्ज किया। आइए दिखा दें कि उनका इसमें क्या क्या कहना रहा। गुरुग्राम में मीट की दुकानें ऐसी जगह पर खुली हुई हैं, अनेक दुकानें मंदिरों के 150 मीटर के दायरे में आती हैं, अनेक दुकानें जो स्कूल्स हैं बच्चे जब पढ़ने जाते हैं उसके दायरे में आती हैं, जबकि नियम है कि 150 मीटर की दूरी में मीट की और शराब की दुकान नहीं होंगी। लेकिन यह भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, ये सब लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। और ये जो सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप कैमरे में लें, इस सूची में जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक फर्म ने, एक एक कंपनी ने 20-20, 25-25 एप्लीकेशन दे रखी हैं और वे ऐसे गलियों में, मोहल्ले में जहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ये मास्क के लोथड़े लटकाने का काम करेंगे, ऐसा एक जघन्य काम ये नगर निगम करने जा रहा है। हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बात लाई थी 2017 में, उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में वो सब जगह वो कटिंग और सब उसकी उनकी घोषणा उपलब्ध है, उसे नकार नहीं सकते। उन्होंने ये कहा था कि गुरुग्राम में इसके बाद कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 119 लाइसेंस हैं, वो केवल अगर अपनी शर्तें पूरी करते हैं तो उनको रिन्यू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ चल रही हैं। जब कोई शिकायत करता है तो ये क्या करते हैं, अपना अधिकारी भेज देते हैं और वो उनके ऊपर 1500 का जुर्माना करके वापस आ जाता है, दुकान बदस्तूर चलती रहती है। वे भी खुश होते हैं, अगले दिन कोई आएगा तो दिखा देंगे हमारा तो चालान कट गया है। ये तरीका नहीं है। अवैध मतलब गैरकानूनी, गैरकानूनी मतलब वो होनी नहीं चाहिए, कानून कायदे के बाहर है। उसको सील क्यों नहीं करते, उसको बंद क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं करते, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसके मुकदमा क्यों नहीं चलाते, ये काम तो करते नहीं। और ये गुरुग्राम से बाहर फरीदाबाद के एडिशन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेज पर ये विज्ञापन देना और उसको ये फॉर्मेलिटी कर देना कि किसी को आपत्ति नहीं है, गुरुग्राम में किसी को पता ही नहीं है। कल हमको ये पता लगा तो हम सन्न रह गए, ऐसे अखबार में, अखबार को ढूंढने में पूरी ताकत लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन उनको क्या कर रहा है, उनको अंधेरे में डाल रहा है क्या, उनके आदेशों को कुचल रहा है क्या, ये हमारा विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी
ये तो हमारा तुरंत इस प्रक्रिया को तुम्हारी मांग पर रद्द करो ही करो और एक्शन भी लो उनके खिलाफ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से। गुरुग्राम में शीतला माता के नाम से पूरे भारत से कोने कोने से लोग आते हैं, वहाँ पर पूरे 365 दिन मेला लगा रहता है, बड़े बड़े मेले भी साल में दो बार आयोजित होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो ऐसे आस्था जो लोगों की बनी हुई है, खुद शीतला माता जी के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, उसका बोर्ड है, उसके बाद भी शीतला माता के इस शहर में इस प्रकार का जघन्य अपराध ये नगर निगम या जिला प्रशासन की सहमति है ये करने जा रहा है, उसकी पर रोक लगे, अविलंब इस पर कार्रवाई हो और हम अब नया कोई लाइसेंस देने नहीं देंगे, यह पक्का है। उसके लिए पहला यह प्रक्रिया है, उनको निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दिया है, वो संज्ञान लें, वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हिंदू समाज लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपने शीतला माता के मान सम्मान के लिए हमें जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। इसके लिए भी आज हमने ज्ञापन में ये लिखा है कि जो 2500 अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं वो अविलंब रूप से वो सील होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन में हमने इस मांग को दोहराया है और बेवकूफ़ बनाने के लिए, बल्कि हरियाणा सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ के नगर निगम का ये कुकृत्य है, ये षड्यंत्र है, ये अपराध है और इस अपराध की सजा हरियाणा के जिनको हम यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ संघर्ष समिति के ब्याह पर कि अविलंब लें, उनको सस्पेंड करें, उनको निलंबित करें और लोगों को पता लगे कि सरकार के आदेशों की अवहेलना पैसे के लिए, कोई मिली भगत के लिए, किसी को खुश करने के लिए अगर करते हैं तो उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये इतना गंभीर विषय है कि हमारी माँ शीतला, जगजननी माँ शीतला जो हमारी भवन पीठ है उनमें से एक है, उसके 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2017 में ये घोषणा कर दी थी, आदेश कर दिया था कि और नए मांस की दुकानों के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद ऐसा क्या है, क्या कारण है कि आप नगर निगम और किस तरीके से चोर रास्ते से एक समाचार पत्र, ऐसा समाचार पत्र जिसकी प्रतिलिपि यहाँ पर नाम मात्र है और छत्तीसगढ़ और अन्य जिले प्रांत की वो प्रतिलिपि के अंदर आप विज्ञापन दे रहे हैं समाचार पत्र में ताकि गुरुग्राम का व्यक्ति पढ़ ना पाए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को लेकर आएंगे, ये अधिकारी वर्ग हिंदुस्तान के जितने भी समाचार पत्र हों या मीडिया हो उसके अंदर अगर कल तक सबसे ज़्यादा अगर कोई समाचार चला तो यह समाचार यही था कि गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों के घोटाले, भ्रष्टाचार। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है कि चोरी के रास्ते से आप उनको लाइसेंस देना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसको धत्ता बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को आप रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, क्या कारण है हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर हम गुरुग्राम के अंदर देखते हैं, हर बार पहले भी जब खुले में नमाज का विषय आया इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, परिणाम क्या निकला, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और जो हमारे अन्य 22 संगठन हैं उनके सहयोग से, उनकी ताकत से इस पूरे गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज को बंद कराया गया और पूरे देश के अंदर एक संदेश गया। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी और आगाह भी करना देना चाहते हैं कि या तो ये अधिकारी वर्ग इस भ्रष्टाचार के अंदर जो लिप्त है वो पारदर्शिता से काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशों की अवहेलना ना करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उन पर अमल करे, वरना अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे और गुरुग्राम की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू और न्यूज़। धन्यवाद।